वेलकम बैक टू माई चैनल हाउस टू होम। और आज का जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो सोचा कि बना लिया जाए। काफ़ी टाइम से काफ़ी मेरी फ्रेंड्स बोल रही हैं हालांकि जो वीडियो आज बन रही है उसकी कोई खास स्पेशल इतनी भी कलेक्शन नहीं है, बट फिर भी जो भी है थोड़ी बहुत वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ अपने हैंड बैग कलेक्शन दिखाइए, और मुझे हैंड बैग का बहुत शौक है। मतलब कोई मेरे लिए अगर कोई गिफ्ट भी लाता तो मैं उसको बोलती तुम कुछ मत लाना मेरे लिए, हैंड बैग ले आना, मैं मतलब बहुत खुश हो जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कभी मैंने उतने अच्छे से रखे नहीं है, लाइक आप बोले बहुत मैं उसको क्या बोलते हैं मेंटेन करके रखती हूँ, रखे हुए हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैंने कोशिश करी हुई उनको संभाल के रखने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं अपना हैंडबैग आपको दिखाती हूँ, वो है ये हैंडबैग जो है ये बैगेट का है, और हर एक हैंडबैग की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है एक तो पहले मुझे देखते ही पसंद आ जाते हैं, अब इसके अंदर एक और निकला, ये देखिए ये छोटा क्लच। मैं ऐसे करती हूँ हर एक के अंदर जब मैं उसको रखती हूँ, जब मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं इनको जो है अंदर छोटे हैंडबैग जो क्लच रख देती हूँ ताकि ये भी दबे नहीं। तो इसकी स्पेस भी अच्छी है, इसमें थोड़े पेपर्स पड़े क्योंकि मैं कभी भी कोई भी हैंडबैग अपने यूज़ के हिसाब से ले लेती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का, ये ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत कंफर्टेबल रहता है क्योंकि जो इसकी बेल्ट है इस तरह है, जैसे आप वेस्टर्न पहनते हैं या फिर ट्रैवलिंग पे कहीं जाते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि ये इस तरह बहुत फ्लेक्सीबल टाइप का है। तो ये वाला एक हैंडबैग है, और मेरे पास मैं आपको पहले ही बता दूँ बहुत ब्रांडेड नहीं है, जो मुझे पसंद आते हैं और जो थोड़े मेरे बजट में होते हैं मैं उस तरह के हैंडबैग्स ले लेती हूँ। तो फिर एक ये क्लच है, ये भी बैगेट का ही है, मेरे पास बैगेट की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ इस तरह, इसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है, तो अभी थोड़े टाइम से मैं बोर हो गई थी इसको यूज़ कर करके तो मैंने अभी चेंज कर दिया है। तो ये एक क्लच मेरे पास है बैगेट का, आपको प्राइजेस नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये कभी ना कभी सेल में अप डाउन होते रहते हैं। तो ठीक है, ये दो मैंने आपको बता दिए। अब एक मेरे पास है ये वाला, ये बड़ा बैग है, स्लिंग भी है, इसमें बेल्ट भी है एक्चुअली, बट अभी इसके अंदर नहीं होगी क्योंकि मैंने निकाल दी होगी। तो ये काफ़ी स्पेशियस है, इसमें भी कुछ कुछ पेपर्स पड़े हैं जैसे मैंने वो बताया कि सब में कुछ ना कुछ मिलता ही है मेरा। देखिए इसमें इलायची भी पड़ी है, हैंड सोप पड़ा है, तो इस तरह की टिश्यूज जो मेरे हर बैग में निकलते हैं स्वेटिंग की वजह से, तो इस तरह से है। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी स्पेशियस है, लाइक शॉपिंग अगर आप जाते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो है मलबेरी करके है, लेकिन ये जो बैग है ये वाला मेरे हस्बैंड लेके आए थे बैंकॉक से लेके आए थे, तो ये वहाँ का है, बट इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया, आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा ख़राब भी होने लगा है बट स्टिल मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कभी ब्लैक लेके जाना, इसके यहाँ पे इसका वर्क देखे डिटेलिंग वगैरह, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसके बैक में भी एक जिप पाउच है, जैसे मोबाइल वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है पीछे ईजीली ऑपरेट हो जाता है। तो उसके बाद एक ये मेरे पास क्लच है इस तरह का, पार्टीज़ वगैरह में जैसे आप कुछ भी इंडियन वेस्टर्न दोनों पे ही अच्छा लगता है। तो ये जो था मुझे गिफ्ट मिला था, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए टिश्यूज भरे हुए हैं पूरे, तो सारे के सारे टिश्यू पेपर्स हैं इसमें, और भी कुछ है इसमें मैं आपको दिखाऊं, बिंदियाँ फिर मेरा क्लच निकला मुझे पता ही नहीं इसमें पड़ा है, पेन है जो मैं रखती हूँ इसके अंदर, कुछ चिल्लर भी है। तो ये एक क्लच है मेरा, तो ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरी फ्रेंड से, तो आई डोंट नो इसका कुछ ब्रांड भी कुछ नहीं है, और जस्ट बर्थडे गिफ्ट में मिला था। और उसके बाद में मेरे पास ये एक क्लच है रेड कलर का, और ये वाला भी जो है मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि कितने का होगा क्या होगा, लेकिन इसमें से मुझे तो कुछ मिल गया यार, मेरा दिन बन गया। इसके अंदर एक चेन और दूसरे बैग का बेल्ट पड़ा हुआ था, और इसमें भी देखिए मैंने आपको बताया टिश्यूज रबर बैंड, और एक बहुत सही चीज़ मिल गई 500 रुपये तो इसी में रखती हूँ अभी। उसके बाद मेरे पास एक ये है, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप के लिए जाती हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा है,
इसमें बहुत आराम से काफ़ी चीज़ें आ जाती है, वाटर बॉटल आ जाता है, तो इसके अंदर भी एक और छोटा क्लच रहता है, एक और छोटा बैग रहता है इस तरह का। तो इस ये मैं रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले यूज़ कर रही थी, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, आपको दिखाऊँ। इसमें हैंड सैनिटाइज़र है, कुछ बिल्स हैं, और कुछ नहीं काफ़ी बिल्स हैं, पैसे तो नहीं निकलते, बिल्स ही निकलते जब सारे खाली हो जाते हैं। जिसके बैक साइड में एक पॉकेट है जो खाली है अभी, तो ये जो है इसके अंदर इस तरह से जाता है। लेकिन इसमें मुझे एक प्रॉब्लम क्या लगती है कि इसमें और पॉकेट कोई नहीं दी उन्होंने, जैसे ये एक दे दिया और अंदर कोई पॉकेट नहीं है। अगर आपको कुछ छोटा रखना है तो अलग से छोटे छोटे क्लचेस रखने पड़ते हैं आपको, इस तरह यूज मतलब आप इसको करो तो ठीक है। तो ये वाला जो हैंडबैग है ये है डेविड जॉन्स का ब्रांड का, और आई डोंट नो ये कितने का था, बताती हूँ आपको इसका प्राइस, आई थिंक 4,000-4,500 का पर्स था ये। फिर एक मेरे पास ये है ये तो मैंने ऐसे ही दिल्ली से ले लिया था, मेरे मम्मी के घर के पास मिल रहा था, तब बड़ा एकदम बीच में ना इसका ट्रेंड सा चला था ना ये वाले बैग्स का, तो ये 100-100 रुपए में मिल रहे थे दिल्ली में, तो ये मैंने एक ले लिया। बट मैं इसको यूज़ कैसे करती हूँ, मैं इसमें अपने सारे छोटे वाले क्लचेस जो होते हैं वो इसमें डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये बाहर तो मैं कहीं लेके इसको जाती नहीं हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरी चीज़ें सब संभली रहती हैं। मैं चेक कर रही हूँ कि इसमें कुछ निकले ही ना है, तो सही इसमें, बट ये तो आपके मतलब पर्स नहीं बोल सकते, मेरे ब्रशेज का होल्डर है, जो मेरे मेकअप ब्रशेज होते हैं तो वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है, और भी बैगी छोटे वाले क्लच सब इसी में थे, मैंने आपको निकाल के जो दिखा रही हूँ। ये वाला मेरे पास पर्स है, क्लच कह लीजिए पर्स, ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, अभी भी मेरा फेवरेट यही है। और ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया था कहीं पे, मैंने चप्पल सप्पल्स लेने गई थी, आजकल वो भी हैंडबैग्स रखते हैं, तो मेरे को पसंद आ गया, मैं वहाँ से ले आई। और इसमें देखिए क्या निकला, इसमें सबकी फोटोज पड़ी छोटी छोटी, से कुछ ना कुछ सब में निकलेगा, कोई खाली पर्स नहीं होगा मेरा। ये वाला है लीनो परोस ब्रांड का ये वाला, और इसके साथ ये इसकी बेल्ट है, ये उलझी हुई है दूसरी गोल्डन बेल्ट के साथ, तो ये मैं जब काफ़ी यूज़ करती हूँ, अभी तो ये इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, जस्ट कलेक्शन में है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर एक ये है, ये भी जो है मुझे गिफ्ट मिला है, ये अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया, आप देखो इसका टैग भी अभी तक लगा हुआ है, टैग है तो प्राइस भी है। ये 2880 रुपीज़ इस पर लिखा हुआ है, और ये मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था इस बार मेरी फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स मतलब सबने मिल के मुझे दिया था। तो ये भी डेविड जॉन्स का है बैग, और ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है, देखो इसकी बेल्ट ये जी मैंने अभी खोला भी नहीं है, तो आई डोंट नो ये कब मैं यूज़ करने वाली हूँ। कलर बहुत प्यारा है, ग्रेश कलर है, वाइट नहीं है, ये ग्रे में है, और उसके बाद मेरे पास एक ये है, ये भी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिला था, और इसका ब्रांड फॉरएवर ग्लैम करके है, ये भी फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया हुआ है, कुछ इस तरह का है, इसकी बड़ी जिप है, ये एक्चुअली अभी अंदर से सिंगल पॉकेट है, और पीछे एक जिपर है इसमें, और आगे से कुछ इस तरह का है, ये तो लगाया हुआ है बट इसके साथ नहीं है, इस तरह का ये भी मुझे गिफ्ट में आया था, ये भी मेरी फ्रेंड्स ने गिफ्ट किया था। तो तो उसके बाद एक ये है, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला भी जो है मेरे हस्बैंड लेके आए थे बैंकॉक से, इसका भी कुछ मतलब ब्रांड नहीं है, ये नॉन ब्रांडेड है, बट इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी है, जो मेरे पास जो भी हैंडबैग्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी, और बहुत अच्छा बना भी हुआ ये, और काफ़ी स्पेशियस है, इसमें भी इसकी बेल्ट है साथ में, स्लिंग भी आप इसको कर सकते हैं, और दूसरी तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें जैसे ये एक मेन पॉकेट है, साइड्स में भी इधर और उधर एक एक बड़ी पॉकेट है, पूरी पूरी काफ़ी स्पेशियस इस तरह से आप देख सकते हैं।
इसके अंदर भी कुछ पड़ा है वही जो सब में है, टिश्यूज एंड ऑल। ये बहुत प्यारा है। इसके आगे यहाँ पे आपको अगर दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, इस तरह से थोड़ी शिमरी इफेक्ट है, यहाँ अंदर अंदर स्टोन्स लगे हैं। इसमें दिख नहीं रहा एक्चुअली, अभी अभी दिख रहा है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ये पार्टीज में या फिर इंडियन और वेस्टर्न इंडियन के साथ बहुत अच्छा लगता है ये बैग। तो वैसे ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी ही है। तो फिर ये वाला एक क्लच है मेरे पास, ये मैं पार्टीज़ वगैरह इंडियन वेयर जब मैं पहनती हूँ या कुछ भी वेस्टर्न में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं, वो आप ही के ऊपर है किसके साथ लेके जाना चाहते हो। तो ये एक तो है मेरे पास, ये मैंने यहीं से ख़रीदा था लाइफस्टाइल से, फोर्ड ब्रांड का है ये वाला। तो ये गोल्डन कलर में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसमें मेरा मैं इस तरह की क्लचेस कैसे सिलेक्ट करती हूँ कि मेरा मोबाइल इसमें पूरा आ रहा है या नहीं जो जिसमें मेरा मोबाइल पूरा आ जाता है वो मैं खरीदती हूँ, क्योंकि मेन पकड़ना है तो मोबाइल अलग, इसको अलग पकड़ने का क्या फ़ायदा। आप ये ले रहे हैं तो इसके अंदर सब रख लीजिए। उसके बाद ये मेरे पास एक बैग है इस तरह का, ये भी पार्टी वेयर यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर में यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने अभी काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्यों, और इसके अंदर से देखो खजाना निकल रहा है क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करती, तो मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ रखी है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसमें देखो क्या निकला है, चांदी की कटोरी कोई सोच सकता है। तो ये जो है ये एस्वेदा का है, एस्वेदा ब्रांड का है, और ये ना अभी थोड़ा गंदा भी हो गया क्योंकि मैंने इसको एक्चुअली एक कवर में रखा हुआ है बैग में, बट इसको मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, इसको थोड़ी शाइन इसकी उतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए, क्लीन करने वाला थोड़ा सा। इसमें भी ऐसे ही साइड्स में इधर उधर दो आप देख रहे हैं जिपर्स हैं, और बीच में से बड़ा एक सिंगल पॉकेट इसका इस तरह से खुलता है। तो ये इस तरह कुछ है, और इसके साथ स्लिंग नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है हैंडलिंग। मतलब आपको जैसे पुराने टाइम में आते थे ना, आप देखो पुरानी हीरोइंस के पास इस तरह के पर्स होते थे, मम्मी लोग के पास भी होते थे, तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट जब मैंने इसको ले लिया तो मुझे ये पता नहीं क्यों उतना कंफर्टेबल नहीं लगा। मैंने इसे बहुत कम यूज़ किया है, और ये भी आई थिंक जब मैंने ख़रीदा था इसको, ख़रीद के भी मुझे 6-7 साल हो चुके हैं, और ये तब मैंने इसको 5 या 6 हज़ार का ख़रीदा था, बट यूज़ मैंने इसको इतना भी नहीं किया, आई थिंक बहुत बहुत रेयरली यूज़ किया है। इसमें मिट्टी भी बहुत थी। फिर मेरे पास एक क्लच है छोटा, ये भी मैंने पर्स के अंदर पर्स रखने के लिए ख़रीदा था। इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ निकला, इसमें बिंदियाँ हैं और कुछ कार्ड है, आई थिंक डॉक्टर मोहन का कार्ड कुछ है, बस इसमें सब कार्ड होल्डर टाइप का है। और ये मैं अपने बैग के अंदर या इसमें कैश रख लेती हूँ। फिर भी मैं इसको कैसे सिलेक्ट की थी कि मेरा मोबाइल इसमें आ जाए, ताकि जब मैं किसी कहीं लेके जाऊँ तो मोबाइल इसके अंदर रख लूँ और इजी हो जाए कैरी करना। तो ये एक ब्लैक कलर का है, इसका ब्रांड नहीं मुझे पता, ये आई डोंट नो कि किस ब्रांड का है, पर ये मुझे पता है कि मैंने 1000 का ख़रीदा था। एक ये है, ये कोई ब्रांड नहीं कुछ नहीं है, ऐसे एक्चुअली बहुत सिंपल सा स्लिंग है, बट मुझे इसके ऊपर जो पिक्चर ये है ना ये बहुत अच्छा लगता है, और ये भी मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था एक्चुअली। तो मैं इसको इसकी बेल्ट चेन के साथ था वो निकाल दी है मैंने, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ हाथ में इस तरह पकड़ के, जब कहीं इंडियन ड्रेसेस होती हैं सूट्स वगैरह कुछ ऐसे कुर्ताज होते हैं तो उन पर ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मेन ज़रूरत की चीज़ें तो सब आई जाती हैं, तो ये एक है। और फिर एक ये है, ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला हुआ है, और ये वाला भी मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया था अभी मेरे बर्थडे पे। तीन हैंडबैग्स मुझे गिफ्ट में मिले थे। ये है, ये भी फॉरएवर ग्लैम करके है, ये भी उसी ब्रांड का है। तो ये इस तरह इसकी बेल्ट है साथ में,
सिंगलिंग है ये और पूरा सिंगल है। बस मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगती है इसके जो ये इतना खुलता नहीं है स्पेस, मतलब हाथ आप इसमें बस थोड़ा पैसे रख लो, मोबाइल रख लो, उसके लिए काफ़ी है। लाइक अगर मुझे अपने गॉगल्स इसमें रखने हैं तो वो नहीं आते हैं, या तो मैं अपने पैसे और मोबाइल रख लूँ या वो, बहुत इतना स्पेशियस नहीं लगता, थोड़ा टाइट टाइट सा लगता है मुझे तो। बट पार्टीज, किटी पार्टीज वगैरह के लिए जैसे किसी ड्रेस के साथ करना है मैच तो ठीक है, उसको करेंगे इसको। फिर एक ये है, इसके साथ भी बेल्ट है, स्लिंग है ये, स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी पैगेट ब्रांड का है और इसके पीछे एक पॉकेट है और अंदर इस तरह से है, इसमें इसकी बेल्ट ये रही। तो ये वाला जो है मुझे इतना पसंद, मतलब सिलेक्ट तो मैंने ही किया था, तब तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट मैंने इसको लेते हुए एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि ये जो है इसी तरह बस इसके ऊपर में बंद होता है, इसको मैं अगर ऐसे रख देती हूँ तो जो ये इसके ऊपर कोई जिप नहीं है, ये खुला है, तो इसको ऊपर से मैं बंद नहीं कर सकती, इसका मुंह पूरा खुला है। तो अगर मैं कुछ भी इसमें रखती हूँ और अगर ये अच्छे से बंद नहीं है, लाइक ये टिक बंद नहीं हुआ, या फिर चिल्लर है उल्टा सीधा होता है तो इसमें से निकल के गिरता है, तो ये मेरे पास मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। पर मतलब मैं इसमें रखती हूँ कुछ भी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी मेरी लेटेस्ट वीडियो की। और जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय।